नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र मेरे एफबी पेज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ग्राम पंचायत नारेली में आया हूँ। हमारे साथ में राजेंद्र जी खटाना साहब जो यहाँ के निवासी हैं, इनके घर पर एक कोबरा सांप है, करीबन 5 फीट का है। और कल भी हमने इस पे एक प्रयास किया था, कल हमारा हाथ में आया ये और यहाँ अभी है। यहाँ पर इसको हम बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। दोस्तों, मैं खटाना साहब की जैसे आप सभी को एक निवेदन करना चाहूंगा कि वन्य जीवों को बचाने में आप हमारी मदद करें। जैसा कि आज इन्होंने ये सांप बहुत डेंजर है वैसे, लेकिन उन्होंने फिर भी आज मेरे को दोबारा कॉल किया है और इस गांव में मेरे को बुलाया है। तो मैं वन्य जीवों पे ऐसे रेस्क्यू करता हूँ और आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अभी मैं इनको रेस्क्यू करके अभी दिखाऊंगा। आप इधर आ जाओ, काफी बड़ा है ये और तकरीबन इसकी एज है 30 से 40 साल का है। ये 30 से 40 वर्ष का उम्र है इसकी। 30 से 40। हाँ, आप इस साइड में लो। नहीं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਕੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਲੁਗਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਫੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਦੇ 3 ਫੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਓ ਯਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿ ਗੁੱਟੀ ਕਾਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋ आपको उधर से हटो, बिल्कुल बाहर लेकर आ रहा हूँ उसको मैं। इधर इधर हाँ इधर ला अरे इधर हाँ हट जाओ, हट जाओ, आप उधर से हट जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ। ये कोबरा है और इसका जो जहर है बहुत तेज होता है और बहुत तेज स्पीड से इसका जो जहर फैलता है। दोस्तों, मैं आपसे एक जानकारी में और बता देता हूँ कि आपको अगर प्रयास है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हमेशा और रेस्क्यू करते हैं तो इस तरह से प्रयास करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि आपके बाद में अगर ये आपको खा जाता है तो आपको एक चिकित्सक उपचार के अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। और दोस्तों, आप अंधविश्वास में ना रहें, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोटॉक्सिस जो छोड़ता है उसका जो एंटीट्यूट होता है वो भी इसी का जेर का बनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप वन्य जीवों को बचाने में हमारी मदद करें। और मेरा जो चैनल है, जो मेरा सुखदेव भट्ट कोबरा स्पेशलिस्ट, और मेरे 8295-7650 जिसपे आप सूचना करके आप इस तरह से सूचित करके और वन्य जीवों को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी एज करीबन 30 से 40 वर्ष है और ये करीबन 4 और 5 फीट के बीच में है। तो दोस्तों, ये मैं इनको अभी खटाना साहब को फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस वन्य जीव को बचाने में मेरी मदद करी, धन्यवाद। दोस्तों, इसके पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको अगर प्रयास है तो ही ऐसे आप प्रयास करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये कौन से पल में आपको खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, एक दो मिनट आपका समय लूंगा। इसके साथ में मैं इसको अभी इसको पकड़ के और इसको हम वन्य जो वन विभाग के जो अधिकारी है उसके निर्देशानुसार इसको हम अभी नाग अपने पहाड़ के अंदर इसको ले जाके छोड़ देंगे। देखो, हाँ वो देख, जबरदस्ती नहीं घुसा सके, ताकत है जोर तो आप कोशिश तो करे ना, देखी तो कम से कम कोशिश कर रहा है। ये तो पूरा हो गया ना, नहीं तो नहीं दे रहे इसको इसको मरना नहीं चाहिए और कुछ नहीं। ये देखो
एक और वीडियो लेकर आई आई थी। ये देखो ये गया साफ अंदर देखे तीन दिन हुआ मार मनुष्य साफ अब तो डबल लेयर फोटो का चले बजे हाँ कह रू बस नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र मेरे एफबी पेज पे आपका स्वागत करता हूं और मैं वन्य जीवों पर जो रेस्क्यू करता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये की है कि आप लोगों को वन्य जीवों की जानकारी देना है और वन्य जीवों को बचाने के लिए अवेयरनेस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों मेरे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें और मेरे दिए हुए नंबरों पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वन्य जीव की जानकारी दे सकते हैं। 8295765 जो मेरे मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों इसको अभी हम यहाँ पर वन खंड नागपाड़ी है और इसको हमने अजमेर से रेस्क्यू किया था और इसको अभी हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। इसको अभी आप देखेंगे, आपको थोड़ी देर के लिए मैं दिखाऊंगा इसको। वनखंड नागपाड़ी में इसको रिलीज कर दिया हमने और अभी इसी जाएगा। उधर जाने के लिए ये वनखंड नागपाड़ी है, इसके अंदर हम इसको भी छोड़ दिया है और ये सुरक्षित जगह पे अब आराम से चल जाएगा।